हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्टफोन या कंप्यूटर ये सब नहीं होता। स्मार्ट टेक्नोलॉजी में और भी बहुत कुछ होता है। देखिए, हम आज को आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कि आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, इससे आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो देखिए, पहले तो बात हम करते हैं, देखिए जिस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं हम, आप सुनकर शॉक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इस तरह का भी वक्त आ सकता है और आने वाला है। और आप खुश भी होंगे कि अगर इस तरह का वक्त आता है तो हमारी लाइफ क्या होगी, हमारी जिंदगी क्या होगी। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हमारी जिंदगी इतनी खुशियों से भर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इंसान मरे ही ना तो लाइफ कैसी होगी? उसके बाद इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो, उसका बाल सफेद ना हो, उसके फेस पर, उसके शरीर पर झुर्रियां ना आए, उसके बालों का कलर व्हाइट ना हो, और वो कभी मरे ही नहीं। उसका शरीर है जो अंदर से वो बिल्कुल यंग ही रहे, हमेशा बाहर से भी अंदर से भी यंग ही रहे, कभी बूढ़े ना हो आप और कभी मरे नहीं इंसान, तो कैसी होगी लाइफ? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आ सकती है मगर अभी तक आई नहीं, इस पर काम हो रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और देखिए गूगल ही इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसका नाम है गूगल कैल्को। इसका गूगल का उद्देश्य ये है कि इंसान मरता क्यों है और इंसान बूढ़ा क्यों होता है, टाइम के हिसाब से इंसान के अंदर किस तक क्या होता है कि इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, इंसान के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, और इंसान मरता क्यों है, इस पर काम कर रहा है। और इंसान की जान क्यों निकलती है और कहां पर जाती है। देखिए, गूगल का लक्ष्य है कि इंसान को बूढ़ा होने से रोका जाए और इंसान को मरने से बचाया जाए, और इंसान कभी बूढ़ा हो ही नहीं, हमेशा यंग ही रहेगा और कभी मरेगा नहीं, इस पर काम कर रहा है। और इसके अलावा दो कंपनियां और हैं जो इसी पर काम कर रही हैं। देखिए, जो सही बात है, इंसान नेचर के खिलाफ जा रहा है, मगर ये तो वक्त बताएगा कि इंसान इसमें कितना कामयाब होता है और कितना कामयाब होता है, कितना फेल होता है, कितना पास होता है, ये इस पर कुछ कर पाता है या नहीं पाता है, मगर इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है गूगल की तरफ से और दो कंपनियों की और तरफ से भी। मगर दोस्तों, अगर हम इसको बोलें कि ये हो नहीं सकता, ये गलत होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुकी है, इतना आगे बढ़ गई है कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस कदर आगे बढ़ रही है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस कदर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे इंसान का डीएनए तक बदल दिया जाता है, इंसान का डीएनए भी बदल दिया जाता है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है कि इंसान अपने आने वाली संतान को खुद डिजाइन कर पाएगी, खुद बदल सकती है कि इंसान कोई चाहेगा कि मेरे बच्चे का कलर इस तरह का होना चाहिए, मेरे बच्चे का ब्रेन इस तरह का होना चाहिए, मेरे बच्चे का फेस किस तरह का होना चाहिए। इंसान खुद डिजाइन कर पाएगा अपने बच्चों के आने वाले फेस को, आने वाली संतान को खुद डिजाइन कर पाएगा माँ के पेट से ही। देखिए, एक और बात आपने सुनी होगी कि यूएसए में वहां के वैज्ञानिकों ने, एनर्जी डिपार्टमेंट ने LSST एक इस तरह के कैमरे को भी बना दिया है, इसको हम टेलीस्कोप कैमरा कह सकते हैं। इससे आप हर तरह तारे की फोटो निकाल सकते हैं, यहां तक कि आप चंद्रमा से 40 गुना ज्यादा
40 गुना ज्यादा एरिया की फोटो निकाल सकते हैं। इतना बड़ा कैमरा बना दिया और उसका वजन है 3 टन। आप सोच सकते हो कि किस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। इसके बाद आपने सुना होगा कि सर्जिकल रोबोट्स बन गए जो आपकी सर्जरी करेंगे। रोबोट आपकी सर्जरी करेंगे, ना कि डॉक्टर्स। देखिए, आपका जो सर्जरी होती है आपकी, वो डॉक्टर नहीं, आने वाले वक्त में रोबोट्स करेंगे। और एक तरफ से ये अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि इंसान गलतियां करता है, कभी भूल जाता है, कभी कुछ। बहुत सारे अपने केसेस सुनते हैं आप हर रोज, किस तरह के उसे रोबोट्स कभी गलती नहीं करेगी, क्योंकि मशीन कभी गलती नहीं करती। जो हम उसको कमांड दे देंगे वो ही करेगी। तो ये एक तरफ से अच्छी न्यूज भी है कि आने वाले वक्त में आपका हमारा जो सर्जरी होगी वो रोबोट्स करेंगे। और दोस्तों, आपने एक और बात सुनी होगी कि मंगल पर आने वाले 3 से 4 साल में मंगल पर लोग तैयारी कर रहे हैं रहने की, जीने की, वहां पर जाने की। और आने वाले 3-4 सालों में आपको देखने को मिल सकता है कि लोग, कुछ लोगों ने सुना है कि 100 लोगों ने तो वहां पर बुकिंग भी करनी शुरू कर दी है कि हम जाने के लिए रेडी हैं वहां पर रहने के लिए। और यहां तक हम सुना है, सुनने में आया है कि वो जहाँ जो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, वो वहां पर रहने के लिए जाएंगे सिर्फ। और ये भी आपको कुछ सालों में देखने को मिल सकता है कि कुछ लोग, बहुत लोग वहां पर जीने के लिए, रहने के लिए जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि हम बताते थक जाएंगे, आप सुनते थक जाएंगे कि टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी। इसलिए ज्यादा लंबा ना करते हुए हम यही आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है कि हम कभी मरे ही नहीं, हम कभी बूढ़े ही नहीं हो, तो ये कैसा होगा, कैसी लाइफ होगी। तो देखिए दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर कोई वीडियो आती है तो सबसे पहले आप उसको देख सको, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।